हाय, मैं हूं संजीव त्यागी। क्राइम पेट्रोल के और एपिसोड्स के लिए लिव क्राइम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आपने अक्सर सुना होगा कि हम जो भी हैं हमारी सोच हमें वैसा बनाती है, लेकिन अगर किसी आदमी की सोच ही गलत हो तो क्या हो सकता है। आज जो केस हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपका दिल दहला देगा। कैसे किसी की सोच किसी का घर बर्बाद कर सकती, कईयों की जिंदगी ले सकती है और लोगों में दहशत फैला सकती है। हेलो, तुम बीमार हो जाओगी और मर जाओगी, सड़ सड़ के मरोगी। कौन बोल रहा है, ये क्या बकवास है? ये काम छोड़ दो। कौन हो तुम, क्या बोलने जा रहे हो ये सब? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? हेलो पूजा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही? कुछ नहीं माँ, मुझे देर हो रही है। संभल के जाना। अरे मैं तो बाल सुखा रहा था ना, तुझे पता है ना कितनी मुश्किल से मैंने ये सब संभाल लिया है। अरे छोड़ छोड़, क्लाइंट के लिए तो खराब हो जाएगा। खराब हो जाए तो हो जाए, अच्छा ही है। और ये क्या काम है, दूसरों के पैरों की गंदगी हटाना? माँ काम है ये मेरा। दुनिया में और भी तो काम है जिससे अच्छे पैसे मिलते हैं, तू कोई ढंग की नौकरी क्यों नहीं कर लेती? माँ नौकरी पेड़ पे नहीं लगती, और वैसे भी मैं अपनी पसंद का काम कर रही हूँ। नेल पेंट दे, तुझे पता है ना कितनी महंगी है नेल पेंट। पूजा 4 घंटे हो गए, श्लोक अभी तक वापस नहीं आया है। यही कहीं होगा माँ, मैं देख के आती हूँ। अरे इतना अंधेरा हो रहा है, अकेले कहाँ ढूंढोगी? मैं काम करती हूँ, शाम को बुला लेती हूँ। तो अभी भी उससे बात कर रही है? तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारा उसके साथ जो भी है वो तुमने खत्म कर लिया। अरे माँ अभी वो बस मेरा फ्रेंड है, उससे मदद लेने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो, हाँ श्याम, हाँ श्लोक पता नहीं कहाँ चला गया है, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ, तुम साथ आओगे? हाँ ओके। पूजा पूजा पूजा, थाने एरिया के जंगल में एक बॉडी मिली है। आई रिपीट, थाने एरिया के जंगल में एक बॉडी मिली है। मर्डर है सर, विक्टिम का गला रेत कर मारा गया। सर ये फोन मिला है, स्क्रीन पूरी तरीके से टूट गई है, फोन स्विच ऑन नहीं हो रहा है। आसपास अच्छे से चेक करो, देखो फोन के अलावा कोई और आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि। इस फोन को ठीक करो और उसकी फैमिली की डिटेल्स निकलवाओ, और आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करो, पता करो कोई मिसिंग कंप्लेन है कि। सर इस फुटप्रिंट का कास्ट बनवाओ और आजू बाजू में पूछताछ करो, देखो किसी ने कुछ देखा है क्या। ओके सर। सर विक्टिम लड़की का नाम पूजा मोहिते था, 19 साल की थी। 3 दिन पहले 24 सितंबर को गोविंद नगर थाने में उसकी माँ सुमित्रा ने उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवाई थी। सर सुमित्रा ने उसके साथ उसके बेटे श्लोक मोहिते का भी मिसिंग कंप्लेन लिखवाया था। सर 14 साल का है सर। सर जो शूट मौका है वारदात पर मिले थे वो स्पोर्ट शूज है, नंबर 10 है। और सर ये है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गला घोट कर मारा गया सर।
19 साल की लड़की की हत्या और 14 साल का भाई गायब। पूजा की माँ सुमित्रा से बॉडी की शिनाख्त करवाओ और उसके बाद उसको यहाँ लेकर आओ। राइट सर। ये अपने भाई को ढूंढने गई थी, श्लोक को। वो कहाँ है? वो भी मेरा आपको कहाँ है श्लोक? मेरा श्लोक कहाँ है? आप बताइए ना। सुमित्रा जी, आप बता सकती हैं उस रात को क्या हुआ था? हेलो श्याम। हाँ, श्लोक पता नहीं कहाँ चला गया है, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ, तुम साथ आओगे? हाँ, ओके। पूजा, पूजा, सुबह तक मेरे दोनों बच्चे नहीं आए, तो मैंने पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट कराई। मेरे दोनों बच्चों में अक्सर झड़प होती थी सर, लेकिन ये सब का श्लोक, मेरा श्लोक कहाँ पे? आप उसे ढूंढ लीजिए। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपका बेटा बहुत जल्द मिल जाएगा। सुमित्रा जी, हमें इस शाम से मिलना होगा, बता सकती हैं कहाँ मिलेगा? बहन भाई को ढूंढने जाती है, अपने एक्स बॉयफ्रेंड की मदद लेती है। श्लोक पता नहीं कहाँ चला गया है, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ, तुम साथ आओगे? और भाई अभी भी गायब है, लेकिन श्लोक तो खुद घर से लड़कर भागा था, तो फिर क्या कोई मौके के इंतजार में था? या फिर बहन का मरना और भाई का गायब होना एक ही रात में कोई इत्तेफाक है? सुनीता, केस को गोविंद नगर पुलिस स्टेशन से यहाँ शिफ्ट करो। शरद, इस शाम की पूरी कुंडली निकालो और जल्द से जल्द श्लोक को ढूंढो। राइट सर। रघु, ये फोटो अपने नेटवर्क में सर्कुलेट करवाओ। जी मैम। इसे देखा है? साहब, ये लड़की को तो मैंने कई बार शाम के ऑटो के पास देखा है, और शाम तो इसे ऑटो भी सिखाता है। शाम भाई, मुझे भी ऑटो चलाना सीखना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आजा सर सिखाता हूँ। आजा, आ बैठ, आ बैठ बैठ। इसको बोलते हैं गियर, इसको बोलते हैं ब्रेक, इधर से होता है ऑटो स्टार्ट। श्लोक का कुछ पता चला? हाँ सर, स्कूल के चौकीदार से बात की सर, उसने बताया कि शाम श्लोक को पिकअप और ड्रॉप करने आता था, और से कुछ ऑटो वालों से पता चला कि वो दोनों काफी वक्त बिताते थे साथ में। तो ये भी हो सकता है कि श्लोक ने शाम के ही कहने पर छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर घर छोड़ने का नाटक किया ताकि शाम पूजा से मिल सके। लेकिन जब हमने शाम की लोकेशन ट्रैक की तो उस रात पूजा के मोहल्ले में था। इसका मतलब वो शाम ही है जो लास्ट पूजा से मिला था, इसके बाद वो गायब हुई और फिर उसकी लाश मिली। उठा के लाओ शाम को। सर, मेरे को काय को लेके आए थे? मैंने कुछ नहीं किया है। तेईस सितंबर को पूजा ने तुझे फोन किया था, कहाँ मिला था उससे? साहब, ना तो मैंने उस दिन उसको कोई फोन किया था, और ना ही उसका फोन मुझे आया था, और ना ही हम लोग मिले थे। साहब साहब साहब, तेरे कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हमने, उस रात को तेरी लोकेशन पूजा के मोहल्ले में ही थी। साहब बताता हूँ मैं मिला था पूजा को, फिर हमने पूरी रात भर उसके भाई श्लोक को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर तकरीबन सुबह 5:30-6 बजे मैंने उसको उसकी गली के चौराहे पर छोड़ दिया था। इस बात का क्या सबूत है कि तूने उसको ड्रॉप किया, फिर तूने उसे मार दिया हो तो? नहीं साहब, उसको छोड़ने के बाद मैं अपने दोस्त मुन्ना से मिलने गया था,
चाहिए तो आप पूछ सकते हैं साहब। जब श्लोक नहीं मिला तो पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? साहब वो पूजा पुलिस स्टेशन आना नहीं चाहती थी। कहाँ गया होगा? देख मेरी बात मान, थाने चलते। नहीं यार थाने नहीं, गुस्से में गया था, गुस्सा शांत होगा तो खुद ही आ जाएगा। पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कराना चाहती थी पूजा? साहब मेरे को क्या मालूम, और वैसे भी जब से हम लोग का ब्रेकअप हुआ था उसके बाद मैं उससे कुछ पूछता नहीं था। पूजा से मिला कैसे था और ब्रेकअप क्यों हुआ? अब उसको मैं डेली काम पे छोड़ने जाया करता था, फिर धीरे धीरे हम लोग की दोस्ती हुई, फिर वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। 2 महीने बाद उसको अचानक पता नहीं क्या हुआ, आकर बोली, श्याम आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। क्या क्या हुआ पूजा? देख मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए। लेकिन पूजा हुआ क्या है? हाथ छोड़ वरना मैं चिल्ला दूंगी। पूजा छोड़। अब कोई कारण तो नहीं बताया लेकिन काफी टेंशन में लग रही थी वो। टेंशन? कैसा टेंशन? मैं बोलूं तो ना, ये सब उसकी माँ ने किया होगा। अब एडी है उसकी माँ, क्या पता उसने अपने बेटे को गायब करा दिया और फिर ये सब पूजा को पता चला हो, पूजा ने देख लिया हो तो उसने उसको भी मार दिया हो। कहना क्या चाह रहे तू? साहब उसकी माँ को तो पूजा का ये काम करना भी पसंद नहीं था, वो बहुत परेशान करती थी। अब पूजा ने मेरे को बताया था कि उसकी माँ उसको बचपन से मारती थी। ये भी तो हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई और था जिस कारण से उसने ब्रेकअप किया, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तूने उसे मार दिया और उसकी माँ पर इल्जाम लगा रहा है। नहीं नहीं साहब क्या बात कर रहे हैं आप। साहब वैसे भी वो अपने काम की वजह से कई आदमियों से मिलती थी, उसका वो ब्यूटी पार्लर वाला काम था ना साहब, आदमी औरत सबसे मिलती थी। साहब मेरे को ये सब कुछ समझ में नहीं आता। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता शहर छोड़कर बाहर मत जाना। जी साहब। सुन आज रात का प्लान कैंसिल करते हैं। पूजा के पिता के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी साहब, दो दो बच्चों की जिम्मेदारी थी मेरे सर के ऊपर। हाँ ऐसे में कभी कभार बच्चों पे गुस्सा निकल जाता था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी बच्ची की जान ले लूंगी। पूजा के काम से अब खुश नहीं थी? हाँ मैं चाहती थी कि वो अच्छा काम करे, इज्जत से रहे। क्या ऐसा सोचना भी गलत था साहब? जब पूजा और श्याम का सही में ब्रेकअप हुआ था, क्योंकि वो लोग अक्सर मिलते रहते थे। पूजा ने तो मुझे यही बताया था, बाकी तो कुछ कह नहीं सकते, आपको तो पता ही होगा बच्चे आजकल माँ बाप को समझते कहाँ हैं। जिद्दी थी पूजा, लेकिन अब वो नहीं रही। लेकिन मेरा श्लोक, मेरे श्लोक को ढूंढने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं साहब? पूजा के कॉल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उसके और शाम के बीच कई कॉल हुए हैं, ज्यादातर कॉल शाम ने पूजा को किए हैं। शाम पर नजर रखो और इसके रिकॉर्ड्स निकलवाओ, कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ, बात बात पर झूठ बोलता है। उसके शू प्रिंट का क्या हुआ? सर श्याम के जूते का नंबर 9 है और उसके घर पे ऐसा कोई जूता नहीं है जो उस दिन वाली कास्ट से मैच होता हो। सर एक और बात, पूजा की कॉल डिटेल्स में एक और नंबर मिला है, कशिश का, श्याम की पड़ोसन है, शायद उससे कोई जानकारी मिल सकती है। इस लड़की को देखा है कहीं? पूजा बहुत ही अच्छी लड़की थी मैडम, बहुत ही मेहनती थी, अपने भाई श्लोक के साथ अक्सर मेरे घर आया करती थी। श्याम को जानती हो? जी साहब, यही बाजू में रहता है, कुछ दिन पूजा को घुमाया भी था, पर पता नहीं पूजा उसके चक्कर में कैसे आ गई। मतलब? श्याम का तो सबको पता है साहब, जो कमाता था उसे उड़ा देता था, एक नंबर का अय्याश है। क्या पूजा ने उसके संग ब्रेकअप किया था? नहीं पता साहब, वो उस दिन के बाद मेरे घर पे कभी नहीं आया। पूजा चल चल चल। हे पूजा क्या हुआ तुझे, शाम ने कुछ किया क्या? तू 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 चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन। मुझे कहीं नहीं जाना दीदी, और आप भी इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, उस आदमी से तो मैं ही निपटूंगी। पूजा उससे पुलिस निपटेगी, तू नाम तो बता। दीदी मैं आपको सब बताती हूँ, पर ऐसी हालत में मैं घर नहीं जा सकती, मुझे कपड़े बदलने। चल, 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 चल।
रेप? जी मैडम, पर उसने ही मना किया था कि उसे रिपोर्ट नहीं करना है। पर ये तो पक्का है, वो जो कोई भी था पूजा उसे जानती थी। क्या वो शाम था जो? हो सकता है मैडम, उस कमीने ने एक बार। हे शाम, विजयनगर चल। विजयनगर जाएगी? विजयनगर जाएगी या रास्ते में कहीं रुकेगी भी? ए बकवास मत कर, चल। अरे रुक जाना, छोड़ दे, हट। थोड़ी देर है, छोड़ दे, हट हट, रुक जाना, अरे हट, छोड़ बेवड़ा साला, छोड़। बहुत ही घटिया लड़का है शाम। जिस दिन पूजा का रेप हुआ था वो तारीख बता सकती हो? 12 जुलाई की बात है। एक मिनट में अभी आती हूँ। ये पूजा के कपड़े हैं जो उसने यहाँ छोड़ के चली गई थी। सुनीता से फॉरेंसिक के लिए भेजो, देखो शायद कुछ पता चल जाए। राइट सर। रेप? साहब, अगर इतनी बड़ी बात पूजा ने मुझे बताई होती तो मैं आप लोगों को जरूर बताती। पता नहीं पूजा ने मुझसे कितनी बातें छुपाई है। तो घर पे राशन पानी पूरा खत्म हो गया है, मेरे बच्चे मेरे पास नहीं है। पता नहीं ये सब मैं अकेले कैसे संभाल पाऊंगी। सब पूजा का रेप हुआ था, इसके बारे में ना तो उसकी माँ ने हमें कुछ बताया और ना ही श्याम ने कोई इन्फॉर्मेशन दी। सर, हो सकता है श्याम ने ही पूजा का रेप किया? अगर ऐसा होता तो फिर श्लोक के गायब होने पर पूजा श्याम की मदद मांगने क्यों जाती? सर, श्लोक और श्याम में दोस्ती थी, हो सकता है श्लोक ने श्याम की मदद की हो ताकि पूजा उससे मिले। तो फिर श्लोक कहाँ है? पूजा जिस आदमी को सबक सिखाने की बात कर रही थी, क्या वो श्याम ही है? श्याम के जूते का साइज है 9, जो कि क्राइम सीन पर मिले शो प्रिंट से मैच नहीं करता। कुछ तो है जो कनेक्ट नहीं हो रहा। सर, ये पूजा का जानने वाला ही पूजा का रेपिस्ट। पर्सपेक्टिव चेंज करके देखते हैं, हो सकता है ये दोनों केसेस अलग अलग हो। सुमित्रा, श्याम, कशिश, इन सब पर कड़ी नजर रखो। पुलिस के हाथ अब तक कुछ खास नहीं लगा था। ऐसा लग रहा था कि एक ही रात में हुई ये दो वारदातें आपस में जुड़ी हुई थी, लेकिन कड़ियां अब तक मिल नहीं पा रही थी। कभी ऐसा लग रहा था कि ये दोनों वारदातें एक ही रात में इत्तफाकन हो गई हैं, लेकिन कौन था इस सब के पीछे और 14 साल का श्लोक वो कहां था? सर, पूजा के फोन की स्क्रीन ठीक हो गई है, उसके फोन से ये मिला है। कौन है ये? सर, जिस नंबर से ये वीडियो आया है किसी राजेश के नाम पर सेव है। राजेश मोरे जी, उसको पहचानते हो? पूजा आइए एक दो बार फेशियल और क्लीनअप करने। पूजा को अपना ये बिना कपड़ों वाला वीडियो क्यों भेजा था? अब एक्चुअली हुआ ये कि तुम फुल बॉडी वैक्स और मसाज भी करती हो? नहीं सर, मेल क्लाइंट का सिर्फ फेशियल और क्लीनअप ही करती हूँ। बस फिर मैंने बाहर जाके वैक्सिंग करा ली और वीडियो भेज दिया उसको। दैट वाज जस्ट फॉर फन। अब बैचलर है ना? हाँ, मेरा ही फेशियल और क्लीनअप करने आई थी। पूजा को कैसे मिले थे? मेरा दोस्त है रंजीत, इसी सोसाइटी में रहता है, उसकी वाइफ खुशबू राणे, उसी ने इंट्रोड्यूस कराया था। कह रही थी काम अच्छा करती है और पैसे की भी जरूरत है। ओके, एक्सक्यूज मी, शूलेस। थैंक यू। खुशबू राय? हाँ। हम लोग शास्त्री नगर। आप चोरी के बारे में ना, पता चला किसने चोरी की थी? पैसे मिले? चोरी? हाँ, मेरे घर पे चोरी हुई थी ना, एक हफ्ते पहले ही मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी। सर, ये रही FIR की कॉपी। देखिए, दरअसल हम लोग एक लड़की के मर्डर के केस में बात करने आए। पहचानती हैं? ये तो पूजा है। पूजा बहुत ही प्यारी लड़की थी, अपने भाई के लिए कुछ करना चाहती थी। इस बार डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट आए हो ना,
तो पापा कह रहे थे सोनू जा कहेगा हम वहां जाएंगे हॉलिडे के लिए। यस बेटा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। बड़े स्कूल में पढ़ने का मजा ही अलग है ना दीदी? हाँ वो तो है। वो दीदी मुझे आपसे एक काम था, वो मेरा एक छोटा भाई है ना, मैं चाहती हूँ कि वो भी एक बड़े से स्कूल में पढ़े, आप मेरी मदद करोगे ना दीदी? ये कब की बात है? करीब 3 महीने पहले की बात है। इनफैक्ट मैंने उसे हमारी नेबर गीता से भी मिलवाया था, वो केएक्सवी स्कूल में टीचर है। उससे अपने भाई की बड़ी फिक्र थी, इनफैक्ट एक बार वो अपने भाई को भी साथ में लेकर आई थी। देख पूजा, मैंने श्लोक के लिए स्कूल मैनेजमेंट से बात की थी, लेकिन इस बार राइट टू एजुकेशन कोटा की सीट किसी और बच्चे को मिल गई। कोई बात नहीं, तुम अगली बार अप्लाई कर लेना। मैडम प्लीज, मैं आपको पूरी लाइफ फ्री सर्विस दूंगी, प्लीज मेरे भाई श्लोक के लिए सिफारिश करो ना। मैडम आप बोलोगे तो हो जाएगा। मैडम प्लीज। देख पूजा, अभी पॉसिबल नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। पर वो इसी साल अपने भाई का एडमिशन कराना चाहती थी, इसीलिए वो दूसरे स्कूल्स की भी चक्कर लगा रही थी। इनफैक्ट मैंने कई बार उसे मैनिक्योर पेडिक्योर करने के लिए, मतलब पार्लर के काम के लिए अपने घर बुलाया था, पर वो बोली कि वो बिजी है। हाँ पर वो राजेश और खुशबू के यहाँ आती थी। सर अगर पूजा इतनी डेस्परेट थी अपने भाई के एडमिशन को लेकर, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ब्रोकर वगैरह के चक्कर में फंस गई हो जो एडमिशन वगैरह कराते हैं, और यही डेस्परेशन उसके रेप का कारण बना हो? पूजा की फोन डिटेल से कोई संदिग्ध नंबर मिला? सर ज्यादातर क्लाइंट के नंबर्स थे, लेकिन मैं फिर एक बार इस एंगल को क्रॉस चेक करती। और इस राजेश का डीएनए पूजा के कपड़ों पर मिले सैंपल से मैच करवाओ, और फुट साइज दोनों लो और इस पर नजर रखो। एक बहन अपने भाई का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए बेताब थी, या फिर उसका काम जिसमें वो औरतों के साथ साथ आदमियों को भी पार्लर सर्विस प्रोवाइड किया करती थी, क्या इस काम की वजह से ही वो किसी की गंदी सोच और नीयत का शिकार हुई थी? आगे इस केस में और भी कई परतें थी जो खुलने वाली थी। सर गीता के इशारे पे मैंने कुछ बड़े स्कूल में इंक्वायरी की, तो पता चला कि सर ये केएक्सवी स्कूल है जहाँ पे पूजा ने फर्स्ट क्वार्टर की फीस 50,000 रुपये जमा कराई थी, और सर इसमें कोई ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं है। और खुशबू के यहाँ से भी 50,000 रुपये गायब हुए थे। पैसे जमा कराने की तारीख 16 सितंबर सर, और खुशबू के यहाँ चोरी हुई थी 14 सितंबर को। शरत स्कूल से नोटों की डिटेल्स निकलवा, मैं पूजा की माँ सुमित्रा से मिलता हूँ। राइट सर। 50,000? इतने सारे पैसे पूजा के पास कहाँ से आए, और उसने वो स्कूल में भी जमा करवा दिए, वो भी मुझे बिना बताए। अरे साहब, बड़े स्कूलों में पढ़ाना इतना आसान है क्या? वहां तो 1 महीने में इससे भी ज्यादा खर्चा होता है। लेकिन पूजा मेरी सुनती कहाँ थी? साहब मैं ना अपने श्लोक को एडमिशन नहीं देना चाहती, वो 50,000 मुझे वापस मिल सकता है क्या? सुमित्रा जी, हमें शक है कि पूजा ने वो पैसे अपने एक क्लाइंट की यहाँ से चोरी किए थे। चोरी? नहीं नहीं मैडम, मेरी बेटी चोरी नहीं कर सकती। मैडम मेरे बेटे श्लोक का कुछ पता चला क्या? हमारी तलाश जारी है। अरे आ गए तुम? ये मेरी माँ है, आप मेरी माँ को ढूंढ देंगे ना? ढूंढ देंगे बेटा, और आप रहते कहाँ? और पापा क्यों नहीं आए साथ में? मुझे घर नहीं जाना, मेरे बाबा पागल हो चुके हैं। क्यों, क्या हुआ उनको? मैडम जी नमस्ते, आप मेरे बच्चे को रख लीजिए ना, आपके घर के सारे काम कर देगा वो, रख लीजिए ना। बहुत दिनों से मेरी मम्मी किधर तो चली गई हैं। उनके जाने के बाद बाबा मुझे सबको रखने के लिए बोलते हैं, पर कोई नहीं रखता। वो मुझे मार देंगे क्योंकि कोई रखने को राजी नहीं है ना, वो मुझे 30 तारीख को मार देंगे।
घबराओ नहीं बेटा, हम आपके साथ हैं। सर, खुशबू के घर से जो कैश चोरी हुए थे और जो कैश स्कूल में डिपॉजिट हुआ है उसके सीरियल नंबर सेम है सर। इसका मतलब वो चोरी पूजा नहीं की थी, लेकिन फिर पूजा और उसके भाई का गायब होना और पूजा की बॉडी मिलना, ये बात कुछ समझ नहीं आई। खुशबू का पति रंजीत इससे अब तक नहीं मिले ना, मिलते हैं। क्या? हम तुरंत पहुंचे। सुमित्रा को इन्फॉर्म करो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। राइट सर। सबसे पहले किसने देखा था? इन्होंने देखा था सर। और किसी को आते जाते देखा था? मैं रोज यहाँ से काम पे आता जाता हूँ, वहाँ पे एक ऑटो खड़ा था, एक बंदा है उसमें बैठ के चला गया। या कहीं ऑटो आते जाते हैं क्या? नहीं सर। ऑटो का नंबर या फिर उस आदमी को देखा था? नहीं सर। अब सब लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, आप लोगों ने अगर इसको ढूंढने की कोशिश की होती तो आज ये जिंदा होता। मेरे बच्चे को ले जाओ वरना मैं अपने आप को जला दूंगा। अरे अरे दिनेश भाई रुक जाओ, दिनेश भाई। अरे तांबा हो ऐसा क्या करता जा। अरे रुक जाओ, अरे हटिए हटिए, दूर हटिए आप लोग। सर आपने हमें आगे बुलाया सर। खुशबू जी, जिस दिन आप क्या चोरी हुई थी उस दिन पूजा आई थी? नहीं सर, उस बीच तो पूजा कभी नहीं आई सोसाइटी में। क्या पूजा ने पैसे चुराए थे? यही हमें पता लगाना है कि उसने पैसे चुराए थे या फिर उसे दिए गए। मतलब सर? मतलब ये कि हो सकता है किसी ने पूजा को मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए और फिर उसे चोरी का रूप दिया। सॉरी टू से सर, आप कहना क्या चाह रहे सर? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा सर। हमें पूजा के कपड़े मिले और फोरेंसिक्स वालों को उस पर पूजा के अलावा किसी और का भी डीएनए मिला। रंजीत जी, हमें आपका डीएनए सैंपल चाहिए जांच के लिए, क्योंकि हमें डाउट है कि जो पूजा का रेपिस्ट है वही उसका किलर है। क्या पूजा का रेप हुआ था? जी। तभी? तभी क्या सर, पिछले 20-25 दिन पहले की बात है। क्या पूजा, कितना लेट कर दिया, मुझे बाहर जाना है, चल। क्या हुआ? कुछ नहीं दी। Are you sure? दीदी, मुझे एक आदमी बहुत परेशान कर रहा है, कहता है कि तुम बीमार हो जाओगी, बहुत बीमार हो जाओगी और तुम मर जाओगी। कौन है, नंबर दे उसका। पता नहीं दीदी, अलग अलग नंबर से फोन करता है। कितने नंबर तुम्हें ब्लॉक कर चुकी हूँ। बीमार हो जाओगी, ऐसा कॉल कौन करेगी? पता नहीं सर, बट वो बहुत परेशान लग रही थी। खुशबू जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कहानी बना रही हैं अपने हस्बैंड को बचाने के लिए? सर, अगर आपको मेरे पति का डीएनए सैंपल लेना है तो आप शौक से ले सकते हैं, पर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सुनीता, हमने सारे कॉल रिकॉर्ड चेक किए, तो फिर ये कौन से नंबर से जो हमसे छूटे? सर, कुछ कॉल्स 15-20 सेकंड के होते हैं, जनरली ये कॉल्स प्रमोशन कॉल होते हैं, बस वही अवॉइड किए। या तो ये खुशबू कहानी बना रही है रंजीत को बचाने के लिए, पर अगर इसकी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो ऐसे किसी नंबर किसी कॉल की डिटेल्स होनी चाहिए थी पूजा के रिकॉर्ड में। हेलो, तुम बीमार हो जाओगी और मर जाओगी, सड़ सड़ के मरोगी तुम। कौन बोल रहा है, ये क्या बकवास है? ये काम छोड़ दो। तुम दोनों फिर से सारे कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो, मुझे एक एक नंबर की डिटेल्स चाहिए। यस सर। मेरी बीबी सरिता प्रेग्नेंट थी साहब, हमेशा खोई खोई रहती थी, फिर एक दिन डॉक्टर से मिलने गई, वापस कभी नहीं आई सर। मैं डॉक्टर से भी मिला था सर, उसने कहा कि सरिता बच्चा गिराना चाहती थी क्योंकि वो मेरा बच्चा नहीं था सर, पर बहुत देर हो चुकी थी, अबॉर्शन नहीं हो सकता था ना। डॉक्टर ने कहा मुझे भी अपने टेस्ट कराने पड़ेंगे क्योंकि सरिता को एड्स था साहब। सरिता ने ना सिर्फ मुझे धोखा दिया है साहब, बल्कि मुझे बीमारी भी थी। अब मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे, मैं बस इतना चाहता था कि मेरे बच्चे को कहीं ऐसी जगह छोड़ दूँ जहाँ उसकी परवरिश हो सके। क्या मिला बीमारी को छुपा कर, खुलकर बता देते तो मदद ज़रूर मिलती। काश ऐसा होता साहब, अगर इन लोगों को मेरी बीमारी के बारे में पता चल जाता ना साहब,
तो मेरे बच्चे की जिंदगी हराम हो जाती। मैं रवि के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन पर बात करता हूँ और तुम्हें भी किसी एनजीओ से मिलवाता हूँ जो पीड़ितों के लिए मदद करती है। सरिता की फोटो भी सर्कुलेट कर दी है मैंने सभी पुलिस स्टेशन में। क्या तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में पता था? इतने घटिया इंसान हो तुम, मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हें एड्स है। बता दे और ये भी बता दे तेरा और मेरा रिश्ता क्या है। रही कसर मैं पूरी कर दूंगा, तेरी और मेरी इंटीमेट फोटो सबको दिखा दूंगा। सर हमने सारे नंबर्स ट्राई करके देखे, कोई भी नंबर एक्टिव नहीं है सिवाय एक नंबर के, किसी मुन्ना के नाम पे है, ऑटो ड्राइवर है। ऑटो ड्राइवर? सर ये मुन्ना और श्याम का नंबर की लोकेशन ज्यादातर के साथ में होती है। उठा के लाओ। राइट सर। हाँ मुन्ना कौन है? मुन्ना वो क्या उधर है? नरक मत। अरे पर मैं क्या लेके आए? चल। अरे मैंने किया क्या है? सर मारो मत, मैं बहुत सीधा आदमी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया साहब। अगर तू इतना सीधा है तो हमें देख के भागा क्यों था? बता दो साहब मारो मत। सब बात यह है कि मैं और श्याम हर शनिवार को ऑटो रेस में हिस्सा लेते हैं। मुझे लगा कि आप लोग उसी सिलसिले में छापा मारने आए हैं, मैं डर गया और भाग गया साहब। ऑटो रेस तुझसे जो कुछ पूछ रहे हैं सच सच बता दे, नहीं तो जिंदगी भर ऑटो नहीं चला पाएगा। हाँ साहब खरे सांग दो। 4 सितंबर को रात को 10:30 बजे तूने ऐसे कॉल किया था। सर याद आया, वो उस रात को मैंने अपना फोन एक और ऑटो ड्राइवर को दिया था जो उस दिन वो ऑटो रेस में आया था। किसको? श्याम को? नहीं श्याम को नहीं, वो जब्बू भाई को। वो उसके बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं लेकिन वो हर रेस में आता है। हाँ साहब मुझे इतना ही पता है, मैंने किसी को कॉल वॉल नहीं किया सर, सच बोल। अगली रेस कब है? अगली रेस? हेलो, मुझे एक आदमी के खिलाफ कंप्लेंट करनी है, वो जानबूझकर लोगों की जिंदगी खराब कर रहा है। चल जाकर ऑटो रेस करवाते हैं तुझे। चलिए चला जा। अब बता तेरे मोबाइल की लोकेशन उन दोनों की मर्डर लोकेशन से मैच करती है। मैं पूजा से मिलने उसके घर गया था जहां पर मैंने उसके भाई को घर से बाहर निकलते हुए देखा और मैंने उसे किडनैप कर लिया। और फिर मैं पूजा को चौराहे पे मिला और मैंने उसे कहा कि उसका भाई मेरे पास है, फिर वो मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गई। और ये कौन सा रास्ता है? ये कहाँ ले आए तू? श्लोक कहाँ है? चलो ना मैं बताता हूँ। नहीं पहले मुझे बताओ श्लोक कहाँ है? वो अपने पास ज्यादा दिन नहीं रख सकता था और उसने मेरा चेहरा भी देख लिया था, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। फिजिकल टेस्ट में फेल होने के बाद मिलिट्री की नौकरी नहीं मिली, मैं शराब में डूब गया, मैं बर्बाद हो चुका था। उसके बाद में दिन में रिक्शा चलाता था और रात को प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता था, वहीं से मुझे एड्स मिला। और फिर एक दिन मेरी मुलाकात मेरे पुराने दोस्त राजेश से हुई। राजेश को काफी सालों के बाद मिला तो बड़े लोगों का ग्रुप मिला। मैं अपनी दोहरी जिंदगी अच्छी तरह से जी रहा था लेकिन ओ पूजा, मैं तो भूल ही गई कि मैंने तुझे बुलाया है, घर पे गेस्ट है, हाफ एन आवर वेट करेगी? ओके मैडम ठीक है आओ। अरे छोड़ना यार ये पेडिक्योर मेनिक्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रेज अ टोस्ट फॉर संदीप।
हाँ बिल्कुल सही कहा, संदीप तो ग्रुप की जान है। वैसे गाइस तुम लोगों का उसके बाद तो वो मेरा पीछा करने लगी, हर जगह पीछा करती थी। मेरा पीछा क्यों कर रही हो तुम? सरिता दीदी के बॉयफ्रेंड हो ना? पूजा मेरी गर्लफ्रेंड सरिता को जानती थी और उसने मुझे पहचान लिया था। सरिता दीदी कहाँ है? देख पूजा, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन ये सब अनजाने में हुआ। ये उसकी फोटो दे। सरिता दीदी ने मुझे ये फोटो भेजी थी। तुम तो ऑटो ड्राइवर थे ना, फिर खुशबू दीदी के यहाँ कैसे? देखो मैंने तुम्हारा पीछा किया है और मुझे पता चला कि तुम और भी दो औरतों से मिलते हो। सच सच बताओ वरना मैं खुशबू दीदी को सब सच बता दूंगी। मुझे खुशबू पसंद थी, लेकिन वो खुशबू के सामने मेरा भांडा फोड़ना चाहती थी। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे उसे देने के लिए, इसीलिए मैंने खुशबू के घर से पैसे चुराए। और उसके फोन से मैंने वो सारे फोटोज डिलीट करवाए, लेकिन उसे और पैसे चाहिए थे। और फिर एक दिन मैंने उसे पैसे देने के बहाने घर बुलाया और क्या हुआ? अंदर नहीं आओगे? देखो संदीप मेरे पैसे दे दो, मैं निकल रही हूँ। ये क्या कर रहे हो संदीप? मैं उसे फोन करके डराता भी था। तुम बीमार हो जाओगी और मर जाओगी, सड़ सड़ के मरोगी। कौन बोल रहा है, ये क्या बकवास है? बाकी सबकी तरह तुम भी मर जाओगी। उसने कहा वो खुशबू को सब सच बता दे। संदीप ने पुलिस को लगभग 300 औरतों के नाम दिए जिन्हें उसने एड्स से संक्रमित किया था। तेरे जूते पूजा के कपड़ों पर मिला तेरा डीएनए, और सबसे बड़ी बात तेरी शिकार गीता जब तेरे खिलाफ बयान देने को तैयार है। सारे सबूत काफी हैं तुझे जेल में डालने के लिए, लेकिन जेल से पहले तू इस बीमारी से सड़कर मरेगा। लेकिन तुझे जेल में डालेंगे क्योंकि दुनिया को बचाना है। एक इंसान की विकृत सोच ने न जाने कितने घर बर्बाद कर दिए, कितनी जानें ले ली। सरिता कदम अपनी गलती से इस कदर परेशान थी, पुलिस ने दिनेश कदम को बताया कि सरिता कदम की बॉडी को लावारिस समझकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हम अपनी जिंदगी में अपने कुछ सपने हासिल कर पाते हैं और कुछ नहीं। क्या संदीप के मिलिट्री में सिलेक्शन ना होने की जिम्मेदार वो औरतें थी जिन्हें संदीप ने जानबूझकर एड्स जैसी बीमारी दी थी? अगर संदीप चाहता तो खुद एचआईवी पॉजिटिव होने के बाद वो अपनी जिंदगी को ठीक तरीके से बिता सकता था, लेकिन उसके अंदर के गुस्से ने उसे हैवान बना दिया था। पूजा संदीप की सच्चाई को जानती थी, बजाय पुलिस के पास जाने के उसने संदीप को अपने भाई के एडमिशन के लिए ब्लैकमेल करना शुरू किया। सोच सही हो तो जिंदगी सही चलती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।